जा रहे तो हैं। आप कहाँ से मुड़े हो वापस? हम ये आगे मोड़ पे से ही मुड़ गए। बिल्कुल पत्थर ही पत्थर आ रहे हैं वहां से। अच्छा जी, यार देखो बर्फ, मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक दो मिनट बैठेंगे यहाँ पे, आराम करेंगे। तो गुड मॉर्निंग अगेन। तो अभी हम होटल में थे, तो अभी हम जा रहे हैं त्रुंग ट्रैक है, एक वहाँ पर बाइक या गाड़ी कुछ नहीं जाती, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। तो शाम तक आएंगे वहाँ से, क्योंकि पैदल रास्ता है, एक तो पहाड़ी चढ़नी है, कम से कम 4-8 घंटे लग जाएगा ना, 8 घंटे लगेंगे हमें। तो सुबह के बज गए 8, तो अभी हम निकल रहे हैं फटाफट, तो आपको मिलते हैं बाइक पे। थोड़े रास्ते तक बाइक जाएगी, तो वहाँ तक हम बाइक पे जाएंगे, तो उसके आगे पैदल रास्ता है सर। तो दोस्तों हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं निकलने के लिए, तो वो खड़ी हमारी बाइक्स। तकरीबन सारे निकल गए यहाँ से, बड़ी शांति है यार। तो भाई बाइक हमने गर्म होने के लिए छोड़ दी है। तो दोस्तों बाइक्स हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, तो यहाँ से हमने रास्ता है यहाँ से, तो कितनी दूर है यहाँ से? बहुत दूर है। अभी नहीं कौन सी है यार, शायद वो इस पहाड़ी के पीछे है, तो वहाँ तक हमने जाना पैदल। तो दोस्तों अभी हमें सिर्फ 5 मिनट हुए हैं पहाड़ी चढ़ते हुए, तो हमारी हालत अभी से ऐसी हो गई कि पता नहीं हम कितनी दूर से पैदल आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एक गुल्लू मंदिर आएगा, वहाँ से सीधा रास्ता है कोई, लेकिन वहाँ से भी पहाड़ी ही चढ़नी है। तो हम थोड़ा सा ऊपर तो आ गए हैं, लेकिन हमारी हालत बिल्कुल ख़राब। तो अभी तो पता नहीं कितनी दूर है, क्या होगा हमारा, कुछ नहीं पता। पहाड़ों का पानी पी ले तभी पहाड़ी चढ़ पाएगा। अंदर तो हंसते हंसते कट जाए रास्ते, चलते चलो, रुकना नहीं। अब जहाँ पे जाएंगे देखी जाएगी, ऐसी नहीं बात बनेगी भाई। चल वापस जा रही, तो सलाह होगी तेरी। चल चल, हूँ मैं तेन कहा ना भी हूँ तेन त्रिंड ट्रैक करा के वापस करूँगा। चल हूँ चढ़ता जा बस। सिप्पू के इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे अभी। हम पहाड़ी चढ़ गए हैं पूरी, शायद गुल्लू मंदिर ये है, ये वाला लटका। तो भाई ये गुल्लू देवी मंदिर है। सिप्पू चलो जल्दी। तो भाई गुल्लू देवी से ये रास्ता सीधा है त्रुंड ट्रैक का। भाई वैसे ना जंगली इलाका आ गया ये, वैसे लग रहा है ना। ये देखो, वाओ सिप्पू फोटो हो जाए यहाँ पे। हमारी तो हालत पहले टाइट हो गई। हाँ जी, सीधा ही रास्ता। अच्छा जी, सीधा ही जाना है। ठीक है जी, रास्ता मत। अच्छा जी, सीधा ही ऐसा रास्ता हुआ? सीधा हाँ, सीधा ही, लेकिन रास्ता थोड़ा वो है, पहाड़ी जैसा है। अच्छा जी, सीधा ही जाना है, तो हम लोग वही रास्ते पे जा रहे हैं। तो आप कहाँ से मुड़े हो वापस? हम ये आगे मोड़ पे से ही मुड़े। पत्थर ही पत्थर आ रहे हैं वहाँ से। अच्छा जी, सीधा ही जाना है। नॉर्मली 80% लोग सीधे ही गए। ओके, रास्ता इस तरफ ही जा रहा है ना, ज्यादा घूम के गए। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, तो यार देख लो, शर्म करो कुछ, इतने बुजुर्ग लोग
फिर भी आए हैं यहाँ तक, ठीक है। वो जवान है अभी। हाँ, दिल से तो जवान है। दिल से ही बूढ़े हो गए यार। मैं बताऊँ, मेरी थकावट उतर गई है, एनर्जी आ गई है। अब चढ़ो, नियम पढ़ना तो पढ़ लेना यार। वीडियो को रोक के इधर को जाना है, तो ये देखो पत्थर, इन पे चढ़ के जाना है त्रिंट ट्रैक के लिए। तो चलो हम भी इधर को ही जा रहे हैं। वो सुप्रीत पहले खड़ा मेरे से, तो हम चलते हैं इधर को ही, जहाँ लोग भी गए हैं इधर को। वैसे अब एनर्जी यार वापस आ गया। वो बुजुर्ग अंकल और आंटी थे ना, उनको देख के ना बस ऐसे हो गया भी अब तो चढ़ना ही है यार हमने। लेकिन वो आए थोड़ी दूर से थे, ये पत्थर देख के वो कह रहे भी हम इन पर नहीं चढ़ सके, तो वो यहाँ से वापस चले गए हैं। तो यार हमने सुबह कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि जिस होटल में हम रुके थे वो कह रहे भी 8 बजे से पहले कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे पास। तो वैसे भी पता नहीं क्या बात, आज यहाँ पे लॉकडाउन है, हैं, तो सारी दुकानें वैसे बंद थी। फिर भी हमने कल थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रात को ही ले लिया था, तो हम चॉकलेट वगैरह खा के काम चलाएंगे। हमने पानी, चॉकलेट और बिस्कुट वगैरह ले लिए। यार देखो बर्फ, मैं पहली बार देख रहा हूँ। ले सिप्पू चॉकलेट ले। देखो इतना रास्ता हम पैदल तय करके आए हैं, तो अब यार यहाँ से नज़ारा देखो भाई, आ हा हा हा। तो ये चीज़ का नज़ारा ऊपर आएगा, तो भाई ये लाइफ टाइम का फर्स्ट एक्सपीरियंस और शायद ये तरुण का लास्ट ही है, क्योंकि यार इतना टाइम नहीं होता ज़िंदगी में। एक बार आ गए आप तो दोबारा कहाँ कौन जाएगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो यार अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो तो ज़रूर आओ यार एक बार यहाँ पे। वाओ, यहाँ से नज़ारा देखो। नहीं कटने चला जाए, चलिए है। थोड़ा बहुत खा लेते हैं ना, फिर एनर्जी आ जाती है दोबारा से, एक दो मिनट रुक जाते हैं। तो भाई रुकते जाओ और चलते जाओ, रुकना ज़्यादा टाइम नहीं है, चलना ज़्यादा टाइम है, रुकना एक मिनट बस। वाओ यार क्या बात है, ये देखो अभी थोड़ा दूर रह गया। अपना खाने पीने का सामान साथ में लेके आना, जैसे चॉकलेट वगैरह, बिस्कुट वगैरह, पानी, जितना आप कैरी कर सको। जब से हम चले हैं बस अब बैठे हैं आधा रास्ते से, हमने ज़्यादा क्रॉस कर लिया, एक दो मिनट बैठेंगे यहाँ पे आराम करेंगे। मैं तो यार पहली बार आया हूँ बर्फ में। सिप्पू कैच। तो यार यहाँ पे पूरी बढ़िया वाली बर्फ़
मतलब कि हमारे पैर स्लिप होने लग गए अभी। तो यार हम काफ़ी ऊपर आ गए अब तो, हार्डली ऊपर से 10-15 मिनट का रास्ता है, वो अंकल बता रहे थे। तो यहाँ से एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, हम बादलों से भी बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। ये देखो, ये है पहाड़ी, इसके ये सारे बादल हैं। अरे अंकल वापस आ गए, तो स्लिप होंगे। ओके अंकल, थैंक यू भाई। हाँ, बड़ों का यही सहारा है। हमारे गांव में जो कच्चा रास्ता होता है ना, वो मिट्टी वाला गारे वाला होता है। कच्चा रास्ता ना ये वाला है। तो यार फाइनली हम पहुंच गए हैं, 8:30 बजे चले थे और 11:30 पहुंचे। कितने हो गए? तो यार वाह क्या बात है, 3 घंटे में हमने त्रिवेंद्र ट्रैक कंप्लीट कर लिया। यहाँ से देखो, वाह क्या बात है।